तो चलो बच्चों, आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर 5 आदमी एक काम को 10 दिन लगाते हैं तो 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे? ए तू बता। तो सर पहले ये तो बताओ काम क्या है। ए ये क्या बात हुई, काम कुछ भी हो। खैर तू छोड़। ए तू बता, वास्को डी गामा इंडिया कब आया? सर वो शायद ना मेरी बुआ की शादी के आसपास आया था। अरे क्या बकवास कर रहा है। मतलब नवंबर के टाइम, क्योंकि उसने ना सर्दियों वाले कपड़े पहन रखे थे। अरे ये क्या बात हुई, इतने थप्पड़ मारूंगा ना, जितना पतला है ना और पतला हो जाएगा। ए तू बैठ, तू खड़ा हो। सर वो सर्दियों वाले दिन आया था क्योंकि जो किताब में तस्वीर थी ना उसमें उसने सर्दियों वाले कपड़े पहने थे। अबे तुम लोग कुछ आता भी है नहीं? अब तुझे क्या हो गया? सर मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही, पानी पीने जाऊं? अबे घर से पानी नहीं लाते क्या यार, पहले स्कूल का इतना बिल आ रहा है, जा जाके पानी पी क्या। ओके सर। मैं कमिन मैम। यस कमिन, बोलो। वो मैम रोहित सर ने ना मार्कर मंगवाया था। ये लो मार्कर और प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा मैम सुनो, मैंने एक चीज भूल गया था, रोहित सर ने ना डंडा भी मंगवाया था। तो हाँ स्वाति बेटा, वो स्माइल करे जा रही थी, क्या बात है? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अगर मेरी क्लास में किसी भी बच्चे ने हरकत करी और प्रिंसिपल तक ये बात गई तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे और होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यार क्या मत पागल बनाया ना तुमने टीचर का, 5 के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सब लोगों ने देखा नहीं कितना हैंडसम लग रहा था वो। हैंडसम कम भिखारी ज्यादा लग रहा था। कौन बोला ये, कौन बोला? हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल। ए नीचे कौन है, खड़ा हो। सर वो 12th बी से ना संगीता मैम ने आपके लिए मार्कर और डंडा भेजा है। ओहो मतलब 12th बी में गया था। तू तो पानी पीने गया था। वो सर मैं नहीं गया था, संगीता मैम ने ना मुझे मार्कर और डंडा पकड़ा दिया और बोला सर को दे देना। हाँ ला, वैसे भी जरूरत है इसकी। अब टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही बहुत टाइम खराब हो गया है, अब सभी बोर्ड पे ध्यान। ओ भाई क्या रहा तेरा? कुछ नहीं भाई, बस क्लास में गया, सामने बैठी थी तेरी भाभी। देखा तुझे उसने? उसने भाभी थी। अरे हाँ भाई, पूरे 15 सेकंड तक। ओए चारों तो फिर जाओ, क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ चारों के चारों। ये क्या लगा रखा है क्लास में, कबूतर खाना बना रखा है? बाहर निकल जाओ चारों क्लास से और हाथ ऊपर कर लो। अबे साले तेरे चक्कर में ना हम लोगों को भी क्लास से बाहर निकाल दिया। अबे उल्टे सीधे जवाब दोगे, क्लास से बाहर ही निकलोगे ना? ओ बेटे बोर्ड आने वाले हैं, तू डंडा और मार्कर ही मांगते रह जाएगा, उसे कोई और सेट कर ले जाएगा।
भाई पहले सेट है भाई, गलता सेट है भाई। तुझे पता भी आजकल स्कूल में चल क्या रहा है? अबे भाई इसको कैसे पता होगा, ये तो कभी स्कूल आता नहीं है। आज भी तो आया है, देखो घर के कपड़ों में आया है। भाई इसकी तो बदमाशी और रुतबा स्कूल से दोनों ही खत्म हो चुके हैं अब तो। अरे तुम सब बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है यहाँ बताओ तो। अभी से मैं बताने वाली बात कौन सी है, जो हो रहा है तेरे आंखों के सामने हो रहा है, देख ले अब खुद देख। अरे क्या हो रहा सामने? अरे मुझे तो कुछ समझ में ना आ रहा, तू ही बता हो क्या रहा आजकल, चल क्या रहा है स्कूल में। अरे भाई क्या ही बताऊँ तुमको, तुम तो स्कूल स्कूल आते नहीं हो, दूसरे क्लास का पाजी अब तुम्हारी बंदी को सेट कर रहा है। हैं ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई ये तो सच कह रहा है, वो पाजी है ना बहाने करके क्लास में आता है तुम्हारे बंदी से मिलने। ओ अब मेरे पीछे ये सब चल रहा, तुम सब ने कुछ बोला नहीं पाजी को? भाई हम तो तब बोले ना कुछ जब भाभी हमको बोलने का मौका दे, वो खुद तो हेलो आए करती है उनसे। हैं ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई और तो और वो देखो सामने दोनों अभी भी है हेलो कर रहे हैं। लगता है स्कूल में मुकुंद का खौफ अब दोबारा लाना पड़ेगा, चलो इस पाजी को तो अब मैं देखता हूँ। हाँ भाई अब तो मुकुंद भाई का वापस खौफ चालू हो जाएगा यहाँ पे। यार उस पाजी को ना सर हमेशा क्लास से बाहर निकालते रहते हैं। यार वो जब भी क्लास में आता है तुझे घूरता क्यों रहता है? बहन इन जूनियर्स के चक्कर वक्कर में मत पड़। देख तेरा आशिक तुझे कैसे घूर रहा है। Hey guys, you. Hello, hello. क्या कर रहे हो? हैं? चलो निकलो। वाह तुम चारों को मैंने पनिशमेंट दी है, तुम लोग इधर ठहर के मस्ती कर रहे हो। ओए दूसरे सेक्शन वाले क्या कर रहे हो, चलो अभी के अभी सभी क्लास में चलो वरना देख लूंगा सबको। अरे यार जो भी हो हमारे क्लास का पाजी ना बहुत मस्त है। यार कुछ भी हो मैं तो चाहती मेरा बॉयफ्रेंड राजकुमार जैसा हो। राजकुमार जैसे बॉयफ्रेंड तो तब होंगे जब हमारे क्लास में अच्छे लड़के होंगे। वैसे भी हमारे क्लास में सारा कार्टून भरा पड़ा है। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हारा वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? अरे यो चॉकलेट पिज्जा खाने की उम्र में तुझे वैलेंटाइन डे मनाना है? वैसे भी बहन हमारे क्लास में कौन से अच्छे लड़के हैं जिनके साथ हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, देखो दोनों की शक्लें। अरे यार वैसे भी मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। अरे बहन यही दोनों पागल हो रखी हैं। हाँ नहीं तो इन लोगों को पिज्जा चॉकलेट खाने की उम्र में वैलेंटाइन डे मनाना है। ये सब छोड़ो उनको देखो कैसे घूर रहे हैं। अरे भाई देख ये लड़के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं यार। हाँ यार बोलती तो सही रहा, बेइज्जती कर रही है हमारी। लगता है ना इनको हमारा असली रूप दिखाना पड़ेगा। हाँ यार कह तो तू सही रहा, मगर तेरे पास कोई आइडिया है या नहीं? हाँ यार मेरे पास एक आइडिया है। हाँ यार कह तो तू सही रहा है भाई, मौजी कर दी तूने तो। खास तो प्रपोज करके रहूंगा, हे भगवान शक्ति देना। तुझे क्या लगा एक स्माइल देके तो इसे सेट कर लेगा? मेरा रुतबा कल भी था और आज भी है, ये चल मुझे दे। Everyone, this side Rakesh, I am the founder and CEO of Celebrity Phase India and guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक holiday रनी है, तीन चार और web series के हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो।
बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें. हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में. सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो डायरेक्टली वेब सीरीज से. फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ. मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में. ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू.